Hey guys, welcome back to my channel. और आज हम आपको बताएंगे कि आपने जो भी इमेजेस खींच कर रखे हैं अपने नोटबुक के या फिर कहीं के भी, तो उसको एक पीडीएफ फॉर्मेट में कैसे सबमिट करें। तो हम बताएंगे कैसे अपना एग्जाम या असाइनमेंट कैसे सबमिट करना है। वन, अगर आप इमेजेस में फ़ोटो खींच के अगर भेज रहे हैं, पहली बात आप 10 से ज़्यादा अपलोड नहीं कर पाएंगे। और अगर आपने चलो 10 या 5 पेज लिखा है अपने, तो फिर अपलोड करेंगे तो फिर फीचर चेक कैसे करेगा, एक एक पेज इधर उधर, मतलब पेज नंबर थोड़ना है उधर अच्छी तरह आएगा। तो हम देखते हैं कैसे करना है। तो पहले आपको प्ले स्टोर पर जाना है और एक ऐप है ऑफिस, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस आता है ना, वही ऑफिस, ये पूरा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ही आएगा, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड, एक्सेल, पावरपॉइंट एंड मोर। मैंने इंस्टॉल करके रखा है तो फिर इसको मैं डायरेक्टली ओपन करूँगा। आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं, ज़्यादा कुछ है नहीं, ज़्यादा हैवी सॉफ्टवेयर है भी नहीं कि आपके फ़ोन को स्ट्रेस से या हैंग हो जाए। तो ओपन करना है बस नॉर्मली। ओपन करने के बाद यहाँ पर प्लस के बटन पर क्लिक करना है। प्लस के बटन में क्लिक करने के बाद लेंस ऑप्शन में अगर आप जाएंगे तो फिर आपको जो इमेजेस आपके फ़ोन में है वो दिखाएगा। पहले बात ये मीडिया कौन कौन सी, मैं आपको एक एग्जांपल दिखा रहा हूँ। ये एक पहले से मेरा फ़ोटो खींचा हुआ एक असाइनमेंट था केमिस्ट्री का, जो मैं अपलोड कर चुका हूँ, तो उसको देखते हैं। पहले एक पेज वाइज वो सिलेक्ट किया, आप वन यानी वन फर्स्ट पेज, आप फ़ोटो दिख के तो पता चल ही गया होगा, 1 2 3 4 5 6 मैंने सीरियली खींचे थे। तो उसके बाद इसको नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद आपको पहली बात थोड़ा ऐसा दिखाई देगा, तो उसको आपको बस ये थोड़ा क्रॉप ऑप्शन में थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना है कौन सा क्या कुछ है। मैंने तो पहले से क्रॉप करके रखा था, और आप चाहें तो ऐसे अपने हिसाब से क्रॉप भी कर सकते हैं। और यहाँ पर कुछ मोड्स हैं, ये वाइट बोर्ड मोड, अगर आपने वाइट बोर्ड से स्कैन किया तो वहाँ पर एक मोड है। ये मैं डॉक्यूमेंट मोड में कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को डॉक्यूमेंट फॉर्मेट में चाहिए। फ़ोटो में भी होगा, जो फ़ोटो में भी आप कर सकते हैं, मैं डॉक्यूमेंट ज़्यादा पसंद करता हूँ, वो आपकी चॉइस है। और यहाँ पर फाइल टाइप में एक बात बता रहा हूँ, भूलना नहीं है, फाइल टाइप में हमेशा यहाँ पर फाइल सेट टू पीडीएफ, यहाँ पर पीडीएफ जैसा एक लोगो आना चाहिए, बना वर्ड पे होगा, इमेज पे होगा, तो फिर आपको पीडीएफ फॉर्मेट ही सिलेक्ट करना है। पीडीएफ फॉर्मेट सिलेक्ट करने के बाद पहला पेज हो गया, मैं दूसरे पेज की ओर गया, थोड़ा सा क्रॉप वगैरह कर लिया, ज़्यादा मेहनत नहीं है, बस थोड़ा आपको क्रॉप करना है। तो आपको क्रॉप करना है, कन्फर्म करना है, तो ऐसे नेक्स्ट पेज, हर पेज थोड़ा थोड़ा क्रॉप करना है क्योंकि थोड़ा थोड़ा मिसिंग हुआ बाय डिफ़ॉल्ट। और ये तो मैंने कैमरा से खींचा था टेक्स्ट मोड में, इसीलिए थोड़ा अच्छी तरह से आ रहा है। और आप अगर नॉर्मली भी खींचते तो नॉर्मली थोड़ा क्रॉप कर दीजिए। और एक ट्रिक बताता हूँ भाई, जब आप इमेज खींचें तो इमेज खींचते वक्त आप ज़रा फोकस कर लीजिए ताकि वर्ड्स जो है आपने जो लिखे हैं वो क्लियर दिखाई दे। उसके बाद उसको क्लिक करने के बाद अपने इमेजेस में जाकर थोड़ा अगर आप एडिटिंग चाहें तो क्लैरिटी फुल कर सकते हैं, जो शार्पनेस भी होता है कभी कभार, क्लैरिटी शार्पनेस उन नाम से। और वो करने के बाद आप वहाँ पर कंट्रास्ट और क्लैरिटी पूरा ऊपर, भाई कंट्रास्ट क्लैरिटी फुल बढ़ाना है, सैचुरेशन और ब्राइटनेस आप एडजस्ट कर सकते हैं अगर आपको उतना इंटरेस्ट है तो। और आपका कॉपी वगैरह टेढ़ा है तो फिर आपने रोटेट भी कर सकते हैं, बाद में भी रोटेट कर सकते हैं, इधर भी रोटेट कर सकते हैं। तो इधर मैंने सिलेक्ट कर लिया है अपना, और उसके बाद यहाँ पर आपको बस डन पे क्लिक करना है। तो डन पे क्लिक करने के बाद ये थोड़ा से घूमेगा, उसके बाद तैयार, स्कैन 08 ऑक्टोबर, आप इसको रीनेम कर सकते हैं। यहाँ पर जाइए सेवस में डिवाइस में वो डाउनलोड्स में सेव करने वाला हूँ। स्कैन के जगह मैं यहाँ पर कुछ भी नाम लिख सकता हूँ, एक्चुअली लिखता हूँ बाई फैमिली के लिए, ऐसा कुछ भी लिखता हूँ, तो सेव हो ही गया। उसके बाद आपको कुछ नहीं, अपने डाउनलोड्स में आप जा सकते हैं, फाइल मैनेजर में जाइए और अपने डाउनलोड्स में चेक कर लीजिए, ऊपर ही होगा। ये पीडीएफ फॉर्मेट में तैयार है, पीडीएफ व्यूअर में दिखाता हूँ आपको, वो तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस आप डाउट करेंगे। यहाँ पर पूरा पीडीएफ का फॉर्मेट में दिखा रहा है, और अगर आप ऑफिस में जाएंगे तो वहाँ पर और भी क्लैरिटी दिखाता है, पूरा क्लियरली दिखाई दे रहा है आपने क्या लिखा है, पेज 1 2 3 क्वेश्चन ABC पूरा सीरियली, नो प्रॉब्लम इसमें, मतलब टीचर को कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, और आपका भी एक अच्छा गिरेगा इंप्रेशन कि आपने इतना क्लियरली लिखा है। अगर आपने सही भी लिखा हुआ और वो टीचर समझ नहीं पाएंगे तो क्या है भाई, आपका तो मार्क्स कट नहीं है। तो ऐसा करके सबमिट करना तो आपको आता ही होगा गूगल फॉर्म में, बस सबमिट करना है, ऐड फाइल में आप उसको ऐड कर सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।